चंदौली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। अज्ञात बदमाशों ने पुराने विवाद के चलते यहां एक युवक को गोली मार दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे वाराणसी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद एडिशनल एसपी समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। कानपुर में कलियुगी दादा ने अपनी ही पोती के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया। मामले की जानकारी होने पर पुलिस ने आरोपी दादा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और किशोरी को मेडिकल के लिए भेजा है। सीतापुर में मोदी सरकार 3.0 के पेश हुए बजट के खिलाफ समाजवादी पार्टी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कहा कि ये बजट नहीं है, धोखा है। कार्यकर्ताओं ने हाथों में अमीरों के बजट, गरीबों पर संकट का बोझ लेकर प्रदर्शन किया। सिद्धार्थनगर के बडनी कस्बे में व्यवसायी के साथ हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। घटना को अंजाम देने वाले चार लुटेरों को एसओजी सर्विलांस और पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से लूट की घटना में प्रयोग करने वाले दो बाइकों के साथ और कुछ रुपए भी बरामद किए हैं। सीतापुर में दबंग ग्राम प्रधान और उसके साथियों ने कोटे की चुनावी रंजिश के चलते घर में घुसकर महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की। पीड़ित परिवार ने पुलिस से मामले की शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। प्रधान की दबंगई से पीड़ित परिवार घर छोड़ने को मजबूर है। संत कबीर नगर में राजस्व के मामले में काफी दिनों से न्याय न मिलने के कारण डीएम कार्यालय पर महिला ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की है। डीएम कार्यालय में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने महिला को आत्मदाह करने से बचाया। इस दौरान पीड़ित महिला ने उपजिलाधिकारी पर जमीनी विवाद के मामलों को उलझाकर समय से निस्तारण न करने का भी आरोप लगाया। झांसी के गुरसराय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल है। यहाँ एक युवक इरफान खान अपनी बीमार मां का इलाज कराने के लिए उनको ठेले पर ले जाता हुआ दिखाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब इरफान से इस बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि उसे पता ही नहीं है कि एम्बुलेंस की 108 भी कोई सुविधा है। अब ऐसे में सवाल या निशान उन जिम्मेदार अधिकारियों पर खड़े हो जाते हैं जिन्हें शासन की योजनाएँ जन जन तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मिली हुई है। झांसी के टहरोली निवासी रोशन ने शिकायती पत्र देते हुए बताया कि ग्राम प्रधान अमित कुमार जैन ने अपने 6 साथियों के साथ मिलकर बिना किसी बात के उसको और उसके दोस्तों को बेरहमी से पीटा। तीनों पीड़ित तहरीर लेकर थाने पहुंचे, उनकी वहां कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने IGRS के माध्यम से शिकायत दर्ज कर पीड़ितों ने न्याय की गुहार लगाई है। प्रयागराज चिकी जंक्शन से मिर्जापुर तक आने वाले सभी ट्रेनों में अवैध वेंडरों का आतंक जारी है। यहां लगभग 300 से ज़्यादा अवैध वेंडर जो खाने पीने की सामग्री बेचते हैं, जो खाने पीने के लायक भी नहीं होती और बगैर कोई लाइसेंस के ये सामग्री बेची जा रही है, जिससे यात्रा कर रहे यात्रियों के सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कासगंज के हॉस्पिटल में काम करने वाली लड़की का अश्लील वीडियो बना लिया गया, जिसका पीड़ित ने हॉस्पिटल स्टाफ कर्मचारियों पर आरोप लगाया। कहा कि पहले उसके ऊपर खुजली पाउडर डाला गया, जिसके बाद वो लेबर रूम में कपड़े चेंज करने गई तो उसका वीडियो बना लिया गया। पीड़ित के माता पिता ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई है।